नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। एक तरफ स्कूली बच्चे किस तरह से पढ़ाई को लेकर संघर्ष करते हैं तो दूसरी तरफ स्कूली बच्चे जो है वो गांजा भी फूंकते हैं। तो आपको हम दिखाने वाले हैं किस तरीके से एक जगह है वहाँ पर स्कूली बच्चे गांजा फूंकते हैं, क्योंकि हमें खबर मिली थी एक घर है जो कि स्कूल के काफ़ी नज़दीक में है और वहाँ पर स्कूली बच्चे गांजा, सिगरेट, दारू, बियर, तमाम चीज़ें का नशा पान करते हैं और वो मात्र 6 से 7 क्लास के बच्चे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं और सभी बच्चे हैं। तो फिलहाल हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए आए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि उन्हें रंगे हाथ पकड़ पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो फिलहाल हम इन झाड़ियों से होते हुए उस जगह पर जा रहे हैं। स्कूल का टिफ़िन हो चुका है 12 बजे और वैसा बताया जाता है कि जो बच्चे हैं वो जब 12:45 में जब टिफ़िन ख़त्म हो जाती है उसके बाद यहाँ पर नशा करने के लिए आते हैं। देखते हैं अगर कोई होगा तो इन्हें दबोच लेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ें यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें मिल रही है। लाइट आ रहा है सही से? हाँ, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि स्कूली बच्चे कैसे नशा करते हैं। देखिए ये बियर की बोतल है और देखिए ये लोग का जुगाड़ क्या है। सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं, आ जाइए। देखिए एक तरफ बच्चे जो हैं जंगलों से किस तरीके से पढ़ाई करने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं और दूसरी तरफ बच्चे यहाँ पर गांजा पीते हैं। ये गांजा पीने का यंत्र है, एक तरह से जुगाड़ कहा जा सकता है। यहाँ पे पेन को तोड़कर इसे अंदर रखा गया है और ये ढक्कन को बंद करके पता नहीं कैसे इसको पीते हैं, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि इसे एक गांजा पिया जाता है। और यहाँ पे देखिए इधर एक स्कूल का मैदान है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि स्कूल से जो जगह दिखाने वाला हूँ उसकी दूरी कितनी है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही मकान है जो बिल्कुल सुनसान जगह में बनाया हुआ है और स्कूल के जस्ट नदी के पार करते ही आपको ये मकान मिल जाएगा। 2 मकान बने हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बना हुआ है। किस तारीख को स्कूल में गैदरिंग थी? हमें खबर मिली थी कि 21 दिसंबर को बच्चे जरूर आएंगे इस जगह पर, क्योंकि हम लोग पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं और हम जो है उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे नहीं आए। लेकिन गैदरिंग के दिन 110% वो बच्चे आने वाले थे, लेकिन हम गैदरिंग के दिन यानी 21 दिसंबर को बानो में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पे व्यस्त थे। तो सबसे पहले मकान में दिखाते हैं आपको कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। और स्कूली बच्चे आइए जल्दी यहाँ पे देखिए, एक पानी बोतल है जो दारू में मिलाने के लिए ये बच्चे स्कूली बच्चे वो लाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिगरेट की पैकेट भी है और बिल्कुल जो है वो खाली हो चुकी है। यहाँ पे एक दारू की बोतल भी है देखिए, और यहाँ पर 4 ग्लास रखे हुए हैं, यानी कि 4 स्कूली बच्चे यहाँ पे दारू पी चुके हैं। यहाँ पे एक स्प्राइट की बोतल भी मिली है। पहले मकान में हमें ये चीज़ें मिली, अब इसके बगल में और कई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इसके बगल में हमने पहले भी आके देख चुके हैं जब 2 सप्ताह पहले, लेकिन एक बार फिर देखेंगे गैदरिंग के बाद क्या स्थिति है उस घर की। चलिए दिखाते हैं आपको। लेकिन गैदरिंग के दिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे नशाखोरी हुई है, गांजा पिया गया है। अब गांजा कहाँ से बच्चे ला रहे हैं, बच्चों को उपलब्ध कैसे हो जा रही है, ये भी एक सवाल है। और बच्चे किस तरीके से पढ़ाई को लेकर एक संघर्ष करते हैं मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। जंगलों से होते हुए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई को लेकर भी जागरूक हैं, लेकिन स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नशा की लत में नशाखोरी की तरफ इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि देश का भविष्य, जो बच्चे होते हैं उनका जीवन आने वाले समय में कैसा होगा और उनके परिवार की स्थिति क्या होगी। देखिए घर के अंदर घुसने से पहले ही हमें सिगरेट की यहाँ पे मिल चुकी है। आइए आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं कि आखिर इस घर में आखिर क्या क्या मिलेगा। जल्दी आइए। और जिस तरीके से हम पहले भी दिखाने की कोशिश किए थे एक बार फिर वही हुआ है। इधर आइए। और इस बार कहा जाए तो पहले से ज़्यादा बदतर स्थिति में तो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए खैनी की पैकेट रखी हुई है, यहाँ पे बियर की बोतलों को काटा गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा ख़राब कंडीशन यहाँ दिख रहा है। चूँकि कुछ बच्चों ने मुझे जानकारी दी थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं गैदरिंग के दिन,
अब सोचिए, और जो बच्चे दारू पी रहे हैं, जो बच्चे गांजा पी रहे हैं, जो बच्चे इस तरीके से नशा कर रहे हैं, वो बच्चों में क्या शिक्षा जारी होगी, आप सोचिए। यहाँ पे देखिए एक कैन जो कि बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही होगी, यानी कि ये 21 तारीख को पिया हुआ है। और ये इधर दिखाइए, इधर जो खिड़की दिखाई दे रही है वो रास्ता है बच्चों के आने जाने का, क्योंकि इधर थोड़े झाड़ियां हैं तो बच्चे इस तरह से यहाँ पे कूदते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। और ये गैदरिंग में सिर्फ नहीं होता है, जब भी इन बच्चों को मौका मिले तो वे बच्चे इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर इस तरीके से जो है गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं और लड़कीबाजी भी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए कि, क्योंकि आजकल के स्कूल बच्चों में पता नहीं कौन सी शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता घुसाई है कि आजकल 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी इस तरीके का कुकर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं। तमाम चीज़ें स्कूल के बच्चों ने ही हमें बताई, हमें खबर दी कि इस तरीके से कार्य इस भवन के अंदर में होता है। एक बच्चे ने इतना तक कह दिया कि स्कूल में 70% से ज़्यादा बच्चे तो तंबाकू खाते हैं, जो 9th के हैं, 10th के हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो इस स्कूल के शिक्षक जाने, ये जो पढ़ते बच्चे हैं वो जाने, लेकिन आप सोचिए कि हमारा देश का भविष्य किस तरीके से नशा पान कर रहा है,